बहुत खूबसूरत है आईएएस परी, बॉलीवुड की हीरोइन भी छूट जाए पीछे। पति लड़ रहे विधानसभा चुनाव, पिछले साल शादी, अब पति लड़ रहे विधानसभा चुनाव, जानिए कौन है परी बिश्नोई। आदमपुर से फिर मिला भव्य बिश्नोई को टिकट, आईएएस परी बिश्नोई ने रचाया ब्याह, जाने कहां है तैनात। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। बीजेपी की पहली सूची में 67 उम्मीदवारों का नाम है। बीजेपी की इस लिस्ट में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई का नाम भी है। भव्य हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के पौत्र भी हैं। बीजेपी ने भव्य बिश्नोई को एक बार फिर से हिसार के आदमपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया। उन्होंने 2022 में हरियाणा विधानसभा से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भव्य बिश्नोई आदमपुर विधानसभा से पहली बार विधायक चुने गए। पहले इस सीट पर उनके पिता कुलदीप बिश्नोई विधायक थे। उनके इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हो गई थी, जहां से भव्य ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। भव्य बिश्नोई की पत्नी आईएएस हैं। उन्होंने पिछले साल राजस्थान की रहने वाली आईएएस अधिकारी परी बिश्नोई के साथ शादी की थी। आईएएस अधिकारी परी बिश्नोई का जन्म 26 फरवरी 1996 को राजस्थान के काकड़ा गांव में हुआ। उनके माता पिता के बारे में बात करें तो परी के पिता मणिराम बिश्नोई पेशे से वकील हैं, जबकि उनकी मां सुशीला बिश्नोई एंटी करप्शन ब्यूरो में हैं। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद ही परी बिश्नोई ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास कर आईएएस बनने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। परीक्षा की तैयारी के लिए परी बिश्नोई ने अपने फोन का उपयोग पूरी तरह बंद कर दिया और अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिए। उन्होंने बिल्कुल सन्यासी की तरह रहकर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की। हालांकि परी को शुरुआत के दो प्रयासों में सफलता नहीं मिली। परी ने 2019 में ऑल इंडिया में 30C रैंक हासिल की। परी ने तीसरे प्रयास में यूपीएससी को क्लियर किया। परी को सिक्किम कैडर मिला, लेकिन भव्य से शादी के चलते उसने अपना कैडर बदलकर हरियाणा करवा लिया। फिलहाल वो सिक्किम के गंगटोक में SDM के पद पर कार्यरत हैं। इसके पहले वो 2022 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सहायक सचिव के पद पर कार्यरत थी। परी के दादा गोपीराम बिश्नोई भी 4 बार अपने गांव काकड़ा से सरपंच रह चुके हैं। बचपन से ही परी अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देती थी। उन्होंने अपनी स्कूल शिक्षा अजमेर के प्रतिष्ठित सेंटर मैरी कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की। इसके बाद परी बिश्नोई दिल्ली विश्वविद्यालय में इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चली गई। DU से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय चली गई, जहां उन्होंने राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की। इतना ही नहीं, परी ने UGC नेट भी पास किया और नेट GRF भी पास किया। परी बिश्नोई घूमने के भी काफी शौकीन हैं। उनकी ट्रैवलिंग के बारे में कई सारे पोस्ट इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं। इंस्टाग्राम पर परी बिश्नोई के 2 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं।